भगवान धन्वंतरी जयंती के अवसर पर आयुष विभाग ने आयोजित किया निशुल्क स्वास्थ्य शिविर। द्वितीय आयुर्वेद दिवस पर आयुर्वेद के माध्यम से दर्द प्रबंधन विषय पर गुना विधायक पन्नालाल शाक्य के मुख्य आतिथ्य में हुई विचार संगोष्ठी। धनतेरस पर बर्तनों की हुई जमकर बिक्री, देर रात तक पुष्य नक्षत्र में लोगों ने की जमकर खरीदारी। बाजार से दुकानों के सामने हाथ ठेलों को यातायात पुलिस ने हटवाया, लक्ष्मीगंज में भी लगवाए बैरिकेड्स। बच्चे आतिशबाजी चलाएं तो घर के बड़े रहें उनके पास, कहा गुना टीआई विवेक अस्टाना ने। रात 10 बजे के बाद तेज आवाज के पटाखे ना चलाने की भी नागरिकों से की अपील। गोपालपुरा दशहरा मैदान पर सजने लगा पटाखा बाजार, 3 दिन तक अब गोपालपुरा पर रहेगी पटाखे खरीदारों की रौनक। दोपहर तक पटाखा व्यवसायियों को नहीं मिल सके थे लाइसेंस। दीपावली के चलते जनसुनवाई रही फीकी सी, पहुंचे इक्के दुक्के आवेदक। गुना कलेक्टर राजेश जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्रामीण अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। एना के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक की हुई मौत, एक हुआ गंभीर रूप से घायल, गंभीर हालत में युवक को पहुंचाया गया जिला चिकित्सालय। गुना ग्वालियर ट्रैक पर धमनार रेलवे ट्रैक पर गुना ग्वालियर रेल लाइन पर धमनार के पास मिली एक अज्ञात लाश, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर किया पोस्टमार्टम। आरोन क्षेत्र के रहवासी कतिपय असामाजिक तत्वों से परेशान, सट्टा व अन्य अवैध कार्य ना करने की नसीहत देने पर करते हैं मारपीट। आरोन पुलिस ने कार्रवाई करने के लिए मांगे पैसे, फरियादी पहुंचा जिला पुलिस अधीक्षक के कार्यालय। धरनावत क्षेत्र में दूसरे के खेत से पानी की लेजिम निकालने पर एक परिवार ने दूसरे परिवार पर किया जानलेवा हमला, मामला पुरानी रंजिश का। राघोगढ़ में दलित सेवक समाज ने मुंगावली के प्राचार्य को बगैर कारण बताए निलंबित करने को लेकर आज एसडीएम को दिया ज्ञापन, प्रभारी मंत्री का रवैया बताया गलत। विधायक जयवर्धन सिंह कल नगरपालिका अध्यक्ष आदित्य विक्रम सिंह की अध्यक्षता में करेंगे राघोगढ़ नगरपालिका क्षेत्र के लगभग 1 करोड़ की लागत के निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास।